नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीएम स्कॉलरशिप, जी हां, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के बारे में। 70/2022-23 के फॉर्म यहां पे चालू हो गए हैं। एक स्कॉलरशिप होती है आपकी उत्तर मैट्रिक, उसके फॉर्म पहले से चालू हैं और अभी हाल ही में चालू हो गए हैं सीएम स्कॉलरशिप, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि उच्च मैट्रिक में तो क्या होता था, एससी एसटी और बीपीएल के विद्यार्थी ही भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन यह है जो सीएम स्कॉलरशिप है, सभी आवेदन कर सकते हैं, किसी जाति के लिए विशेष नहीं है, सभी जाति के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और सभी को 5,000 रुपए मिलते हैं। इसमें जो फॉर्म लगाता है उसको 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप राशि मिल जाती है। तो कैसे है, वीडियो होने वाला है आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। सवाल इसमें कौन कौन से है सीएम स्कॉलरशिप को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन है छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकता है, सबसे पहले तो सवाल ये आता है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्राइटेरिया है इसके लिए कि आप फॉर्म तो भर पाएंगे, लेकिन क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया है, वो भी चीज आपके लिए मायने रखती है। और दूसरा बात करते हैं कितने रुपए मिलते हैं, किस हिसाब से मिलते हैं, और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है तो इसका क्या फायदा है, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 70/2022-23 के बारे में। जी हाँ, फॉरम थोड़ा लेट जरूर शुरू हुए हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे फॉरम शुरू हो गए हैं। डेट बता देता हूँ कब से आपके फॉरम चालू होंगे। ऑनलाइन फॉरम आपके 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2022 तक आपके फॉरम भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक आपके फॉरम भरे जाएंगे। फॉरम कहाँ से भरना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉरम भरना है। एसएसओ आईडी पर स्कॉलरशिप का अलग ही पोर्टल दिया हुआ होता है, वहां पे जाके आप आवेदन करेंगे। सबकी एसएसओ आईडी होनी चाहिए और विशेष रूप से इसमें सबसे जो मेन योग्यता इसकी क्या है, विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि जो आपका परिवार का जो जन आधार कार्ड होता है वह होना चाहिए, जिसका पहले नाम भामाशाह था, अब नाम हो चुका है जन आधार कार्ड, वह आपका होना चाहिए। सारी डिटेल्स उसमें सही होनी चाहिए और विशेष रूप से एक जो आय सीमा का जो क्राइटेरिया है, आपकी जो आय सीमा होती है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, आपका परिवार की जो आय सीमा है वो 2.5 लाख से कम की होनी चाहिए, तभी आप फॉरम लगा पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें तो उन विद्यार्थियों के लिए जरूर, यानी कि आपका जो आयकर जो बनता है वो 2.5 लाख से कम का बनना चाहिए, यह चीज आप ध्यान रखेंगे तो आप फॉरम लगा पाएंगे। तो अब कौन कौन फॉरम भर सकता है, देखो सबसे पहला सवाल यही है, सीएम स्कॉलरशिप है, दो तरीके से आपको समझाता हूँ। एक तो जो 12th पास होके अभी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, 12th पास से आ गए फर्स्ट ईयर में, अब चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रखा हो या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रखा हो, दोनों चीजें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपने रेगुलर एडमिशन ले रखा हो या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले रखा हो तो फॉर्म लगा सकते हैं। विशेष रूप से एक बात बता देता हूँ, नॉन कॉलेज विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ध्यान रखें, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हुई, नॉन कॉलेज को मिलती नहीं है और गवर्नमेंट कॉलेज से रेगुलर है तो फॉर्म लगा सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से रेगुलर है तो फॉर्म लगा सकते हैं। 12th पास आप होने चाहिए और जो 12th पास जो भी हैं उनकी 60% 12th में होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आपकी 12th में 60% है तो ही आप फॉर्म लगा पाएंगे, इंपॉर्टेंट ये 60% आपका यहाँ पे होना चाहिए, इससे कम है चाहे 1% कम हो नहीं लगा पाएंगे फॉर्म, ये चीज आप ध्यान रखें। तो पहली कंडीशन तो ये है कि 12th में आपकी होनी चाहिए, ये आपका हो गया, फॉर्म लगा दिया। अब जो सेकंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, जो पीजी में है, फर्स्ट ईयर पीजी प्रीवियस में, पीजी फाइनल में है, तो वो क्या लगातार फॉर्म लगाते आ रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी लगाया होगा, सेकंड ईयर में लगाया होगा, कोई फाइनल में है तो उसने सेकंड ईयर में लगाया होगा, फर्स्ट ईयर में भी लगाया होगा, तो दूसरा उनके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपने पिछले साल यह फॉर्म लगाया है और आपको छात्रवृत्ति मिली है तो ही आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे, यानी कि आपका पेंडिंग चल रहा है, बजट नहीं आया, लेकिन आपका फॉर्म अगर अप्रूव्ड हो गया है तो फिर आप फॉर्म लगा पाएंगे। आपको पिछले सत्र में मतलब कि आपकी यहाँ पे छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, अगर मिली है तो ही आप फॉर्म लगा पाएंगे। ये आपका सेकंड ईयर फाइनल ईयर और जो पीजी प्रीवियस से फाइनल वालों के हैं उनके लिए है, ये चीज आप ध्यान रखिए, सीएम स्कॉलरशिप इनके लिए होने वाली है। और बाकी फर्स्ट ईयर में जो भी हाल ही में एडमिशन लिए हैं उनके लिए तो यह है ही, उनको तो लेना ही है। अब एक चीज ध्यान रखें, अब जो फर्स्ट ईयर में जो फॉर्म लगाएगा अभी उसको क्या है, 60% यहाँ से बनानी है। फर्स्ट ईयर में आपने 12th में बनाई फर्स्ट पर 60% आपका फॉरम यहाँ पे भरा गया, लेकिन अब आपको क्या है कि एक फर्स्ट ईयर में मिल गई 60% बनाने के बाद में आपका फॉरम भरा गया उसके बाद मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में भी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपकी 60% बननी चाहिए तभी आप फॉरम लगा पाएंगे। ये कंडीशन है, 60% का क्राइटेरिया आपको आने वाले समय में अगर फायदा लेना है तो आपको बनानी पड़ेगी, बार बार ये
ध्यान रखें, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में तो मिल जाएगी क्योंकि आपने 12वीं में 60% बना ली, लेकिन सेकंड ईयर में भी चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में 60% बनानी पड़ेगी। ये चीज आगे ध्यान रखें, इसलिए पढ़ाई भी साथ में करते रहें और 60% का क्राइटेरिया पास करते रहें और उसके हिसाब से आने वाले समय आपको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। तो ये फॉर्म क्लियर हो गया, सभी जाति के विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। आयकर बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आयकर में आय सीमा आपके 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। और आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जन आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सारे लिंक होने चाहिए। आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका बैंक में भी ऐड होना चाहिए, सारे नंबर एक ही जगह से, मतलब कि आपका एक नंबर होना चाहिए सब जगह पे ऐड होना चाहिए, वो बैंक में भी ऐड होना चाहिए, आधार कार्ड में भी ऐड होना चाहिए और जन आधार कार्ड में भी ऐड होना चाहिए। सारी जानकारी वहाँ पे, बैंक अकाउंट है जो आपका जन आधार में भी ऐड होना चाहिए, टोटल अपडेट होना चाहिए, नाम कहीं पे भी गलत नहीं होना चाहिए। गलत है तो पहले जन आधार में अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद में आपका कहीं और कहीं नाम एडिट करवाना है तो उसको एडिट करवा लीजिए। सभी में नाम एक होना चाहिए, अलग अलग कोई भी मतलब कि डेट ऑफ बर्थ किसी का इशू है ऐसा कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। फॉर्म किसी भी कारण से रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि आज छात्रवृत्ति का इशू है, तो रिजेक्ट करने के लिए उनको एक बहाना चाहिए, लेकिन आपके पास मौका है। 30 नवंबर अंतिम तिथि है, पहले करेक्शन करवा लीजिए, समय है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलती नहीं होनी चाहिए। बाद में अच्छे से देखेंगे वीडियो को, पूरा सारी चीजें बता रहा हूं आपको। आवश्यक दस्तावेज में 10th और 12th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, जन आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक होनी चाहिए और एक आयकर जो बनता है आपका वो होना चाहिए। और जिस कॉलेज में आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का आई कार्ड होना चाहिए, और जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे फीस आपने दी उस फीस की रसीद होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज के अंतर्गत आने वाली है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो मित्र पे जाना है, मित्र से आपको फॉर्म लगाना है SSO ID के माध्यम से। अब कितने रुपए मिलेंगे, देखो हर साल आपको 5000 रुपए मिलेंगे, पर महीने आपको 500 रुपए मिलेंगे। अब कहेंगे कि आपको तो 6000 मिलना चाहिए 5000 को, तो यहाँ पे 10 महीने का काउंट होता है ना, 10 महीने के 500 रुपए के हिसाब से आपको 5000 रुपए मिलने वाले हैं, और टोटल मतलब वार्षिक आपका जो हो गया है 5000 रुपए मिलेंगे आपको। स्कॉलरशिप आपको 5000 रुपए दी जाएगी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना राजस्थान की योजना है, राजस्थान के विद्यार्थियों को मिलने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें, अगर आप 12वीं क्लास में 60% पास है और फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले लिया है किसी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर विद्यार्थी के रूप में, तो आपको छात्रवृत्ति मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, सभी जाति के विद्यार्थी फॉर्म लगाएंगे। इससे रिलेटेड कोई सूचना आने वाले समय में चाहिए तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। या फिर कोई सवाल आपका रह जाता है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, वहां पर सारे सवालों का जवाब आपको पर्सनली मैं देने वाला हूं। तो ध्यान रखें, CM स्कॉलरशिप के फॉर्म चालू हो गए हैं, आसानी से मिल जाती है स्कॉलरशिप, को ज्यादा इशू रहता नहीं है, समय से स्कॉलरशिप आती है। और कई बार लेट हो जाता है, वो बजट के कारण हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव है तो आपकी छात्रवृत्ति समय से आएगी, इस चीज की चिंता ना करें। और फॉर्म जरूर लगाना है, फॉर्म आपको 20 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक। इससे रिलेटेड कोई सूचना चाहिए तो चैनल पे कमेंट कर देना, आने वाले समय में आपको सारा वीडियो और मिल जाएंगे जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखो फॉर्म लगाने के बाद में क्या होता है, फॉर्म आपका अप्रूवल के लिए जाता है, डिपार्टमेंट से अप्रूवल होगा, कॉलेज अप्रूवल करेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर इशू रहे तो वो चेंज करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा, ये सारा समय मिलता है। उसके बाद में आपका फाइनल अप्रूवल आता है, फिर उसके बाद में बजट सैंक्शन होता है, फिर उसके बाद में आपको छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में डायरेक्ट आती है DBT के माध्यम से। ध्यान रखें, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, कहीं बीच में कहीं आपको लेना नहीं है, डायरेक्ट जो आप बैंक अकाउंट देंगे उसमें आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, ध्यान रखें। तो आपके लिए छात्रवृत्ति के फॉर्म चालू हैं, फॉर्म लगाएं, क्राइटेरिया मैंने सारा बता दिया है। इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, फॉर्म जरूर लगाएं, आने वाले समय ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।